बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। मनमोहन थई मन मंदिर में, बाहर ना तू गोल बंदा। मनमोहन थई मन मंदिर में, बाहर ना तू गोल बंदा। जंगलन जबलन में तू भटकी, जन्म न पहंजो रोल बंदा। जंगलन जबलन में तू भटकी, जन्म न पहंजो रोल बंदा। पहंजे अंदर झाती पाए, फिक्र रखी तू फूल बंदा। मनमोहन थई मन मंदिर में, बाहर ना तू गोल बंदा। तन जो तन आ, मन जो मन आ, सब घट बोले बोल बंदा। ओ तन जो तन आ, मन जो मन आ, सब घट बोले बोल बंदा। हर दम तो सासाण रहे सो, साखी रूप अडोल बंदा। मनमोहन थई मन मंदिर में, बाहर ना तू गोल बंदा। ज्ञान जी कुंजी वठी गुरन खां, अविद्या तालो खोल बंदा। ओ ज्ञान जी कुंजी वठी गुरन खां, अविद्या तालो खोल बंदा। अंदर आत्म दर्शन पाए, तन मन तह तांगोल बंदा। मनमोहन थई मन मंदिर में, बाहर ना तू गोल बंदा। कहे टेऊं तू बाहर मुक्ति, दर दर ते ना डोल बंदा। कहे टेऊं तू बाहर मुक्ति, दर दर ते ना डोल बंदा। अंतर्मुख थी निज आत्म सा, हर दम मान कलोल बंदा। मनमोहन थई मन मंदिर में, बाहर ना बाहर ना। राग भैरवी भजन 112। मनमोहन थई मन मंदिर में, बाहर ना तू गोल बंदा। वो परमात्मा ईश्वर तुम्हारे मन के अंदर उस मंदिर में विराजमान है, उसे बाहर संसार के पदार्थों में मत ढूंढो। वो आनंद स्वरूप है और उसका तुम्हारे हृदय में निवास है। जंगलन जबलन में तू भटकी, जन्म न पहंजो रोल बंदा। पर्वतों में, कंदराओं में, गुफाओं में ढूंढ करके अपना जन्म व्यर्थ न गवाओ। पहंजे अंदर झाती पाए, झांक कर अपने अंतर देखो। फिक्र रखी तू फूल अदा, उसकी जानने की जिज्ञासा मन में रखो, इच्छा मन में रखो और प्रबल इच्छा रख करके अंतर में ही उसे ढूंढो। तन जो तना, मन जो मना, सब घट बोले बोल बंदा।
शरीर मन को प्रकाश देने वाला वही है, चेतनता देने वाला वही है। सब घट प्रत्येक प्राणी में उसका निवास है। जितने भी मुख से वाणी निकलती है उसके पीछे भी शक्ति उसी की है। हरदम तोसा साण रहे थो साखी रूप अडोल बंदा। वो कभी भी विचलित नहीं होता, डुलायमान नहीं होता। वो साक्षी चेतन स्वरूप हमेशा ही तुम्हारे साथ है, एक क्षण के लिए भी तुमसे अलग नहीं। ज्ञान जी कुंजी वठी गुरन खा अविद्या तालो खोल बंदा। गुरुदेव से ज्ञान की चाबी लेकर के उनके चरण शरण में बैठ के उनसे ज्ञान प्राप्त करके अविद्या अज्ञान का जो ताला है उस ताले को गुरुदेव के द्वारा दी गई ज्ञान की चाबी से खोलो। अंतर आत्म दर्शन पाए तन मन तहता घोल बंदा। अपने अंतर में ही उस आत्म स्वरूप का दर्शन करो। वो नेत्रों का विषय नहीं, अंतर अनुभव में ही उसको पहचानो, जानो, उसका दर्शन करो और उसके ऊपर तुम कुर्बान बलिहार जाओ। कहे टेऊं तू बाहिर मुख थी दर दर तेना डोल बंदा। वृत्ति संसार की तरफ भागती है तो उसे बहिर्मुखी वृत्ति कहा जाता है। अपने आत्म स्वरूप में लगती है तो उसे अंतर्मुखी वृत्ति कहा जाता है। तो बाहिर्मुखता का त्याग करके अंतर्मुखी बन जाओ। अंतर्मुख थी निज आत्म सा हरदम माण कलोल बंदा। अंतर्मुख होकर के अपने आत्म स्वरूप को जानो और उसको प्राप्त करके परम आनंद परम शांति को प्राप्त करो। तो उस भजन के द्वारा गुरु महाराज जी जिज्ञासु को अंतर्मुख होकर के उस प्रभु परमात्मा को खोजने की शिक्षा उपदेश दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवन आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार।
जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश, अंध तमस का दीप लौ ज्यों करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश, पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम, अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश, पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी, प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है, तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं, तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।